जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्ट्रीट 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम डे 38 टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए डे 38 जो टेस्ट सीरीज था उसमें जो है टोटल जो है 47 यानी कि 47 क्वेश्चन था और इसमें जो है शिवम जी ने आज भी जो है 31 क्वेश्चन जो है सही किए हुए हैं। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना। बोल रहा है कि कितना होता है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 200 क्यूबिक सेंटर और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो बात हो गई किसकी, तो वृक्ष की बात हो गई। तो वृक्ष से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे हम बताते हैं। देखिए अगर बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष जो है उत्सर्जन तंत्र के जो है अंग है। और वृक्ष की संख्या कितनी होती है, तो देखिए वृक्ष की संख्या जो है दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। अगर इसकी कार्य की बात करें तो ये जो है रक्त परिसंचरण में जो है बेकार पदार्थ जो होता है शरीर का, उसको क्या करता है, उसको जो है मूत्र मार्ग के द्वारा जो क्या करता है तो बाहर निकाल देता है, और जो लाभदायक तत्व होता है उसको जो शरीर में जो है बनाए रखता है। अगर बात करें इसकी आकार की, तो जो है इसकी आकार जो होती है वो होती है सेम की जो बीज होती है, सेम की जो बीज होती है उसी के आकार की तरह होती है। और इसकी अगर जो नलिकाएं की बात करें, तो देखिए प्रत्येक वृक्ष के जो, देखिए दो वृक्ष हम बताए, कितने, दो वृक्ष, लेकिन प्रत्येक वृक्ष के लगभग जो है 130,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, तो आप नाम सुने होंगे नेफ्रॉन, नाम सुने होंगे, तो उसी को जो है नेफ्रॉन के नाम से जो है जाना जाता है। अगर बात करें कि नेफ्रॉन क्या है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो देखिए नेफ्रॉन को जो है वृक्ष का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, या कहें तो उत्सर्जन इकाई के भी नाम से जो है इसे हम कह सकते हैं। अगर बात करें कि वृक्ष का बाहरी भाग कैसा होता है, तो देखिए वृक्ष जो होता है उसका बाहरी भाग जो है उत्तल होता है, और अगर इसकी भीतरी बात करें भीतरी भाग की, तो इसका जो भीतरी भाग होता है कैसा होता है, तो अवतल होता है। तो इतने जो फैक्ट है इसको जो है आपको जो याद रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। देखिए अंडवाहिनी तो हम आपको तो समझा ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम आइए बात कर लेते हैं कि आखिर निषेचन होता क्या है। देखिए निषेचन की सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि देखिए पुरुष शरीर से जो स्रावित होता है शुक्राणु, आप जानते ही होंगे भली भांति, और स्त्री के शरीर से जो है स्रावित होता है अंडाणु, और जब ये दोनों जो है मिलते हैं तो क्या बनाता है, तो ये जो है जायगोट बनाता है, जायगोट का निर्माण करता है, और इसी क्रिया को जो है निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अगर बात करें कि यह प्रक्रिया संपन्न कहां होती है, तो देखिए यह जो प्रक्रिया जो संपन्न होती है, यह जो फैलोपियन ट्यूब स्त्री के पास होती है, फैलोपियन ट्यूब उसी में जो है यह क्रिया जो संपन्न होती है, इसे जो है अंडवाहिनी के ही नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए कि अंडवाहिनी किसे कहा जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब को ही जो है अंडवाहिनी जो है कहा जाता है। लेकिन देखिए निषेचन के लिए भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो देखिए इसकी कंडीशन यह है कि जब शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय स्तम तथा एम्पुला के संधि स्तर पर पहुंचेगा, तब ही जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, अन्यथा क्या होगी, तो निषेचन की क्रिया नहीं समझा जाएगा। क्या बोल रहा है कि जब शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय स्तम तथा एम्पुला के संधि स्थल होते हैं, एक उस संधि स्थल पर अगर एक समय में ही पहुंचेगा तब संपन्न होगी, अन्यथा जो है नहीं होगी। अगर बात करें शुक्राणु की, तो देखिए शुक्राणु जो है अंडवाहिनी में मिनिमम यानी कि कम से कम जो 48 घंटे तक जो है निषेचित होने के योग्य रहते हैं, मतलब जो जीवित रहते हैं, जबकि अगर अंडाणु की बात करें तो ये जो है 12 से 24 घंटे तक ही जो है जीवित रहते हैं। तो आप जो निषेचन समझ गए, देखिए अगर निषेचन की क्रिया हो जाता है तो यही प्रक्रिया से जो है क्या होता है, तो गर्भाशय में जो शिशु बनने की जो है प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाती है, जो किस प्रकार है तो हम बताते हैं। देखिए निषेचन जब संपन्न होगा तो उसके 10 सप्ताह यानी कि कितना हो गया, 70 दिन, 70 दिन में क्या होता है, तो भ्रूणीय विकास होता है। और इसकी अगर बात करें इस 70 दिन के अंतर्गत इसमें कब क्या होता है, तो देखिए इस 70 दिन में जो पांचवां जो सप्ताह होता है यानी कि 35वां दिन, इस समय तक जो है तीन जननिक स्तर यानी कि एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म के स्तरों का निर्माण हो जाता है। और सातवां से नौवां सप्ताह कितना हो गया, 60 से 63 दिन के आसपास हो गया। इस समय क्या होता है, तो निषेचन के बाद शिशु के पैर, हाथ और श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र जो है बनने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, तो निषेचन के तीसरे माह तक
जो भ्रूण में जो कंकाल तंत्र बन जाता है, क्या होता है तो कंकाल तंत्र बन जाता है। और चौथे माह की बात करें तो चौथे माह जो है सिर एवं रोए बन जाते, बाल जो होते हैं वो जो है शिशु के बन जाते हैं। और पांचवें महीने की बात करें तो आहार नाल उसके और रुधिर और अस्थि मज्जा का निर्माण हो जाता है। और छठे महीने में जो शिशु तैयार हो जाता है। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, तो सातवें महीने जो है शिशु के अंग कार्य करने लगता है, जैसे पैर हुआ। और आठवें महीने जो है शिशु के शरीर में वसा का जमा होने लगता है, यानी कि शरीर जो हेल्दी होने लगता है, दुबलापन होगा या फिर पतलापन होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, तो आठवें महीने पर। और इसी में जो है क्या होता है, शरीर जो है डिपेंड करता है कि कैसा होगा। और नौवें महीने जो है क्या होता है, जन्म लेने के लिए जो है ये जो तैयार हो जाता है। और इसके बाद ही 10 दिन ज्यादा या कम समय में जो है शिशु का जो है जन्म हो जाता है। तो आप समझ गए कि किस प्रकार निषेचन होता है और उसके बाद जो निषेचन संपन्न के बाद किस तरह जो है शिशु बनने की जो है प्रक्रिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। बोल रहा है कि उस हार्मोन का नाम बताइए और इसका जो नाम दे दिया कोडिंग में दे दिया है। ऑप्शन नंबर TSH, FSH, LTH, ACTH। आप लोग तो कंफ्यूज कर गए होंगे कि आखिर ये है क्या, तो देखिए आपको हम समझा देते हैं। देखिए TSH का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन। बात करें अगर इसकी तो देखिए यह जो है क्या बताता है, थायराइड के बारे में बताता है। किसके बारे में, थायराइड के बारे में। यह जो है एक टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट है, यह सभी जो है थायराइड का ही टेस्ट है। अब अगर बात करके FSH का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो देखिए FSH का फुल फॉर्म होता है फोलिक स्टिमुलिंग हार्मोन होता है। और LTH की बात करें तो लुकटेजिंग टेस्ट हार्मोन होता है। और जो है ACTH की बात करें तो ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रियनो कोर्टियो कोर्टोरोपिक हार्मोन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा TSH, मतलब क्या, थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन। देखिए अब चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। बोल रहा है कि इसमें पहचान कीजिए कि हार्मोन इसमें कौन है। तो देखिए RNA हार्मोन नहीं है, एनकर्टेज ये भी हार्मोन नहीं है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी हार्मोन नहीं है, लेकिन इंसुलिन जो है ये क्या है, तो हार्मोन है। अगर बात करें इंसुलिन की तो देखिए इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो स्रावित होता है। और इसके जो कम श्रवण से, अगर इंसुलिन की शरीर में मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कम श्रवण से क्या होगा, मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। और अगर इंसुलिन की ज्यादा भी मात्रा जो है अगर श्रावण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन की कमी होने से क्या हो जाता है, कौन सा रोग, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। तो इंसुलिन भी जो है शरीर में जो लिमिट में होना चाहिए, अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, या उसे नाम कहे तो डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो इतना चीज जो आपको याद रखना है। देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगर इसकी बात करें तो देखिए यह जो हार्मोन जो है, यह जो है गर्भाशय की जो है अरेखित पेशियों में जो है सिकुड़न पैदा कर देती है। क्या करती है, तो सिकुड़न जो है पैदा कर देती है। और जिससे क्या होता है, तो प्रसव जब होता रहता है, बच्चे को जन्म देता रहता है, तो क्या होता है, उस दौरान जो पीड़ा होती है, और पीड़ा होने के कारण क्या होता है, तो छटपटाहट होती है, और इससे जो है क्या होता है, बच्चे जो है आसानी से जो है जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस हार्मोन के कारण जो है क्या होता है, जन्म में जो है सहायता होती है। तो इतने चीज जो आपको जो याद रखना है। आप देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन की अगर हम बात करें तो देखिए थायरोक्सिन की मात्रा अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हाइपोथायराइडिज्म नामक जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टॉक्सिस ग्वाइटर नामक जो है रोग हो जाता है। और इससे क्या होता है, तो आंख फूल जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, जब आंख फूल जाता है तो इसे जो है एक्सोपथेलमिक जो है ग्वाइटर कहा जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है, तो देखिए आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। तो ये तो हम बात बताएं, ये जो था ये युवा वर्ग के लिए था ये कंडीशन, लेकिन बच्चे की बात करें तो देखिए क्या होता है, बच्चे की अगर बात करें तो थायरोक्सिन की कमी से जो है बच्चे में जो है अवटू वामनता का जो है नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, अवटू वामनता। वामनता का मतलब क्या, लघु आकार।
तो इसे ही जो है बौना कहा जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत व्यक्ति जो 30 साल का है लेकिन 5 साल की बच्चे की तरह लग रहा है, तो उसमें कौन सी कमी हो गई है, तो इसमें थायरॉक्सिन की कमी हो गई और वह जो है बौना हो गया है। अगर बात करें थायरॉक्सिन की काज की, तो यह क्या करता है, अगर ये शरीर में रहेगा तो ये कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है, तो बढ़ा देता है, और इसी के कारण शरीर के जो है हड्डी होते हैं और बाल होते हैं उनका जो है विकास हो पाता है। तो इतने चीज जो आपको जो है याद रखना है। अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगर इसकी बात करें एस्ट्रोजन की, जो ये कहाँ से स्रावित होती है, तो ये जो है ग्रेफियन फॉलिकल से जो है स्रावित होती है। कहाँ से, ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा जो स्रावित होती है। अगर बात करें कि इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए इसकी कमी से जो है जनन क्षमता जो है कमजोर हो जाता है। देखिए अब आठवां क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, तो आप ही बताइए इंसुलिन क्या है, यहाँ पर तो हार्मोन है ही नहीं, इसमें सिर्फ दिया हुआ है वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी पोषण से संबंधित जो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन हो जाएगा। और वैसे भी जो है इंसुलिन क्या करता है, तो प्रोटीन को जो है संश्लेषित करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अब नवा क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको नियंत्रित करता है, तो किसके द्वारा, तो इंसुलिन किसका जो है करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह जो है नियंत्रित कर देता है। दसवां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को ही जो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किस ग्रंथि के नाम से, तो पीयूष ग्रंथि के नाम से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, और इसे ही जो है क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि। तो आपको कहीं से भी इसमें तीनों नाम अगर बताए, तीनों नाम अगर पूछे तो आपको जो आंसर दे देना है। अगर इसकी बात करें कि इसका कलर कैसा होता है, तो यह जो है भूरी और लाल होती है। देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन एस्ट्रोजन क्या है, तो यह क्या है, अभी हम थोड़ा पहले देर बताए थे कि यह जो महिलाओं में जो है यही हार्मोन रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो यह क्या करता है, यह हार्मोन यह जो नारी का जो है विकास करता है, तो इसलिए इसे जो नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे जो है नारी विकास हार्मोन भी जो है कहा जाता है। और इससे क्या होता है, तो इसमें जो है लड़कियों में स्तन दुग्ध ग्रंथियों गर्भाशय और योनि का जो है समुचित जो है विकास होता है। तो इतने चीज जो आपको जो है याद रखना है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है स्त्रियों में रजोनी वृद्धि के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन जो है समाप्त हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो यह किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो यह जो ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा जो है उत्पादित हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एड्रेनलिन। अगर इसकी बात करें इस हार्मोन की, तो यह जो है मेड्यूला से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, मेड्यूला से स्रावित होता है, और इसके स्राव से क्या हो जाता है, तो अभी हम क्वेश्चन में देखे थे कि हृदय में जो है वृद्धि हो जाती है गति में, और उसके शरीर में जो उत्तेजना का अनुभव होता है, और इसे ही जो है कौन सा हार्मोन कहा जाता है, तो इसे ही जो है उड़ो और लड़ो। तो आपको याद रखना है कि किस हार्मोन को उड़ो और लड़ो कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है सी नंबर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को जो है उड़ो और लड़ो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए जब आप संकट काल में फंस जाएंगे तब जो आपका जो है निर्णय जो करेगा उस परिस्थिति में, तो यही जो है हार्मोन जो है तभी उत्तेजित होता है और आप जो है निर्णय ले पाते हैं। देखिए अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है, वही क्वेश्चन है जो कि अभी हम एक्सप्लेनेशन में बताए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन जो है हार्मोन। और बहुत बार ये बहुत सारे एग्जाम में जो यह जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगर इसकी बात करें तो इसका जो स्राव कहाँ से होता है, तो इसका स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसके कमी होने पर क्या होता है, पीयूष से जो है TSH श्रावण बढ़ जाता है। TSH का अभी हम बताए थे कि TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जल्दी से बताइए अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन क्या है, तो एक जो है हार्मोन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन है। अगर इसकी बात करें तो इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड जो है ग्रंथियों के द्वारा होता है। और इसका कार्य क्या है, तो यह जो उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और इसकी अगर कमी हो जाएगा तो क्या होगा, तो इस हार्मोन की कमी से जो है जरवामनता यानी कि हम बोले थे कि बौना नामक जो बीमारी हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको आंसर देना है हार्मोन।
18 नंबर का क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को जो है प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए यह जो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन जो है यह क्या करता है, तो भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक जो है हार्मोन क्या करता है, तो बढ़ा देता है। और अगर इसकी बात करें कि ऑक्सीटोसिन के कौन कौन से ऊतक होते हैं, तो स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां जो है ऑक्सीटोसिन के जो है ऊतक होते हैं। तो इतने चीज जो है आपको जो है याद रखना है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो श्रावण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है, तो इसे ही जो है मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जो है जाना जाता है। अगर इसकी बात करें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है, तो यह जो है अग्रपिंड द्वारा जो स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा। आइए अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। अब 20वां क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का बोल रहा है कि क्या है। अभी इससे पहले हम देखे थे उसमें जो है हार्मोन का नाम नहीं दिया हुआ था, उसमें पोषण का जो है ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो हार्मोन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हार्मोन हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो किसकी कमी से होता है, तो यह जो है इंसुलिन की जो है कमी से होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इंसुलिन। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है। तो इंसुलिन में जो जस्ता धातु मौजूद होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जस्ता, हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, बोले किसके द्वारा। तो देखिए इंसुलिन का उत्पादन किससे होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय में स्थित होता है, क्या होता है, तो लैंगरहैंस की दीपिका होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, इसका जो है उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अग्नाशय। अगर बात करें अग्नाशय ग्रंथि की, तो देखिए यह जो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि अंत एवं बाह्यस्रावी ग्रंथ दोनों प्रकार की, तो इसलिए जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि का जो मिश्रण है। अगर बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि की, इसका क्या काज होता है, तो यह जो है मुख्यतः जो पाचन में सहायक होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह जो रक्त शर्करा को जो है विनियमित करता है, क्या करता है, विनियमित करता है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सीक्रेटिन। अगर बात करें कि सीक्रेटिन के बारे में, तो यह जो है जठर रस के श्रावण को जो है कम करता है, क्या करता है, यह जो है जठर रस के जो श्रावण होता है उसको जो है कम कर देता है। और ऑप्शन में जैसा कि दिया हुआ है रेनिन, तो रेनिन जो क्या करता है, तो दूध के वियोजन को जो है कार्य करता है, और ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, पाचक रसों के उत्पादन के उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सीक्रेटिन। देखिए अब 26 नंबर का क्वेश्चन है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, बोल रहा है कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है। क्यों, तो यह जो है जंतु हार्मोन है, और जंतु हार्मोन में क्या होता है, तो उसकी रासायनिक संरचना की दृष्टि से जो है उसमें जो है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसकी रचना जो पेप्टाइड जो है हार्मोन, इसकी रचना किससे होती है, तो 51 अमीनो अम्ल से होती है। तो इतनी चीज जो आपको जो याद रखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वीर्य से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, हार्मोन कौन सा है। तो ये यहाँ पर भी कोडिंग भाषा में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ADH। बाकी जितना भी ऑप्शन है उसका जो हम फुल फॉर्म बता दिए हैं, तो आप कॉमेंट करिए जल्दी से। और अगर बात करें ADH की, तो यह जो ADH जो है इसका फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक, क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक जो है हार्मोन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह क्या करता है, यह जो है हार्मोन जो है वीर्य से जो मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु जो है उत्तरदायी होता है। तो इतनी चीज जो आपको याद रखना है। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निश्चित करता है। अब शुक्राणु बोल रहा है और बोल रहा है डिंब, डिंब किसको कहा जाता है, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब को ही जो है डिंब वाहिनी कहा जाता है, और इसे जो है और क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अंडवाहिनी भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा डिंबवाहिनी नली। 29वां क्वेश्चन, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, बोल रहा है कितने दिन के लिए। तो हम बताए थे क्या,
तो इसमें हम बताए थे कि 24 घंटा से जो है कम नहीं होगा, 24 घंटा से जो जायदाद ही जो है या जो जीवित रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से जो है रक्षा करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उल्व। और अगर इसकी बात करें तो यह क्या करता है, तो भ्रूण को जो है नम बनाए रखता है और जिससे क्या होता है बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से जो है इसकी जो है सुरक्षा हो जाती है। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, बोला है कि एक दिन में कितना जो है पेशाब करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1.5 लीटर जो है पेशाब करता है। अगर आपको पूछ दे पीएच मान मूत्र का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच वैल्यू में जो पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या देना है आपको, तो 6.0। और अगर बात करें इसका रंग कैसा है, तो यह जो पीले रंग का होता है और यह जो पारदर्शी होता है, आपको यह भी याद रखना है। अगर बात करें कि मूत्र का रंग जो है क्यों जो है पीला होता है, तो यह जो है क्या होता है, तो उसमें जो यूरोक्रोम जो होता है इसलिए जो है क्या होता है, यह जो है पीला होता है। अगर बात करें मूत्र में कितना जल होता है, तो मूत्र में जो है 95% जो है क्या होता है, जल होता है। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो डायलिसिस किससे संबंधित है, जब जो आदमी का जो है वीरिक जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसे जो है डायलिसिस के द्वारा जो है उसका वीरिक का जो कार्य होता है उसको जो है करवाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वीरिक हो। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वीरिक। देखिए वीरिक क्या करता है, तो वीरिक का काम है क्या, हम बताए हुए थे कि जितने भी कचरा होगा उसको जो बाहर स्रावित करेगा मूत्र मार्ग के द्वारा, और जितने भी अच्छे तत्व होंगे उसको क्या करेगा शरीर में जो है बनाए रखेगा। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, जब वीरिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जम जाता है, तो आप ही बताइए, जब यह कार्य करना ही बंद कर देगा तो कचरा जो छान रहा था, कचरा को निकाल रहा था, वो निकलेगा नहीं ना निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो जितने भी जो है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वह जो जमा हो जाएगा रक्त में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब बोलेगा कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो अमोनिया होते हैं, यूरिया होते हैं और यूरिक अम्ल होते हैं, तो आपको यह भी जो है याद रखना है। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, मानव वीरिक अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, बोल रहा है कि कौन सा यौगिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सैलेट। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है किससे, तो किससे बनती है, तो यह जो है कैल्शियम ऑक्सैलेट से जो है मानव पथरी जो है बनती है। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव गुर्दे का समान काज नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का जो नियंत्रण है यह जो इसका जो है काज नहीं है। तो किसका कार्य है, तो यह जो है अग्नाशय के इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है उसका कार्य है यह, क्या, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को जो है नियंत्रित करना। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नेफ्रॉन जो है इसका यूनिट है। हम बताए हुए थे कि नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, तो गुर्दे का जो है कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यकृत। अब देखिए 40वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो अभी हम तुरंत बताए थे कि यूरोक्रोम की वजह से जो है उसका जो रंग जो है पीला होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यूरोक्रोम। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को जो है निषेचित करता है, बोल शुक्राणु किस में जो है निषेचित करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डिंब वाहिनी, या कहे तो फाइलोपियन ट्यूब, या कहे तो अंड वाहिनी, ये इतना नाम है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 42वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको जो है स्त्री के गर्भ में जो प्रविष्ट कराया जाता है, तो किसको क्या आ जाता है, तो शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा शुक्राणु। अब देखिए 43वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, बोल रहा है, तो देखिए गर्भनाल तो संबंधित है, गर्भाशय भी संबंधित है, अंडाशय भी संबंधित है, लेकिन शुक्रवाहिका है नहीं है, यह जो है पुरुष से जो है संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यह जो है नहीं है संबंधित। अब देखिए 44वां नंबर का क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, यह जो है गला में होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन -, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रुधिर शर्करा को जो है बढ़ाती है, तो क्या हो जाएगा, तो रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। अब देखिए 46वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, क्योंकि हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि को ही जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन हार्मोन का उदाहरण है, इसमें मैं आप ही बताइए कौन जो है इसमें हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन जो है एक जो है हार्मोन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे उत्सर्जन तंत्र, स्रावी ग्रंथि और प्रजनन तंत्र से सारे को जो है इसमें जो है डिस्कस कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।